स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड की सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 3, जिसका नाम है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जीसे ओन्स। इस बायोग्राफी के, इस आत्मकथा के राइटर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कई बार गोल्ड मेडल जीता और उन्हीं जीत के संस्मरणों में से एक संस्मरण है यह आत्मकथा, जिसे उन्होंने माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज के नाम से लिखा है। यह एक अमेरिकन राइटर, कम कहिए बल्कि ये कहिए कि अमेरिकन एथलेटिक, अमेरिकन खिलाड़ी थे जिन्होंने यह आत्मकथा लिखी है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं या क्या कुछ कमी पाते हैं, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट वॉज द समर ऑफ 1936। यह वर्ष 1936 के ग्रीष्म का मौसम था। द ओलंपिक गेम्स वेयर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे। बिकॉज एडॉल्फ हिटलर चाइल्डलेसली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वेयर मेंबर ऑफ मास्टर रेस। क्योंकि जो एडॉल्फ हिटलर था वह बचकानी बात करता था, चाइल्डिशली का अर्थ है बच्चों जैसी बात करता था, इंसिस्ट का तो होता है आग्रह करना, लेकिन यहाँ पे अर्थ है बच्चों जैसी बात करता था कि उसके जो परफॉर्मर हैं या उसके जो प्रतिनिधि हैं ओलंपिक में भाग लेने वाले, वे सभी मास्टर रेस के सदस्य हैं। मास्टर रेस का सदस्य होने से अर्थ है कि हिटलर का अपना मानना था कि आर्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजाति जो है वह जर्मन प्रजाति है। तो जर्मन प्रजाति, जिसे हिटलर सर्वश्रेष्ठ मानता था, उस प्रजाति के सदस्य हैं उसके प्रतिनिधि जो इस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करेंगे अलग अलग खेलों का। नेशनलिस्टिक फीलिंग वेयर रनिंग हाई। राष्ट्रीयता की भावना चरम पे थी। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। मैं इन बातों से चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड, मैं प्रशिक्षित था। ट्रेंड का अर्थ प्रशिक्षित था। स्वीटेंड, पसीना बहाया था। एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित किया था। माई सेल्फ फॉर 6 ईयर, अपने आप को 6 सालों तक। मैंने अपने आप को 6 सालों तक प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और अनुशासन में रखा था। विथ द गेम्स इन द माइंड, और यह सब कुछ मैंने किया था खेलों को दिमाग में रखकर, खेलों को ध्यान में रखकर। व्हाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं बोट से जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टेकिंग होम आर 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। मैं सोच रहा था कि कम से कम मैं 1 या 2 गोल्ड मेडल लेके ही घर जाऊंगा। आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, और मेरी आँखें विशेषकर लंबी कूद पर थी। मेरा लक्ष्य विशेष करके लंबी कूद पर था। ए ईयर बिफोर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेस। एक साल पहले मैंने एक विश्व कीर्तिमान बनाया था जो कि 26 फीट
8.5 इंच का था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजली। हर कोई इस बात की अपेक्षा कर रहा था मुझसे कि मैं ओलंपिक आसानी से जीत जाऊंगा। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज। मैं चकित था। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल। जब लंबी कूद के अभ्यास का समय आया, ट्रायल का अर्थ होता है अभ्यास, तो जब लंबी कूद के अभ्यास का समय आया, आई वॉज स्टार्टलेड टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग द पीट एस ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लीव्स। मैं इस बात से चकित था यह देखकर कि एक लंबा लड़का जो पीट को हिट कर रहा था, कम से कम या लगभग, ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग, लगभग 26 फीट की कूद लगाकर अपने अभ्यास में, एक 26 साल का लड़का था जिसने अपने अभ्यास में 26 फीट की कूद लगाई थी, जिससे मैं काफ़ी चकित था। ही हैपन टू बी ए जर्मन नेम लूज लॉन्ग। वह एक जर्मन निवासी था और उसका नाम था लूज लॉन्ग। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे। मुझे बताया गया था कि उसे हिटलर ने छिपा के रखा था। एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप। स्पष्ट रूप से यह आशा करते हुए कि वह कूद में विजेता बनेगा, जीतेगा। आई थॉट इफ लॉन्ग ऑन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपेरियरिटी थियरी। मैंने सोचा कि यदि लूज लॉन्ग जीतता है तो यह नाजियों की जो विचारधारा है कि आर्यन सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसमें कुछ और भी श्रेष्ठता जुड़ जाएगी, उस सोच में कुछ और भी जुड़ेगा सकारात्मक रूप से। आफ्टर ऑल आई एम निग्रो। कुल मिला के मैं एक निग्रो हूँ। निग्रो एक प्रजाति होती है। ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, और हिटलर के कायदे कानून से मैं थोड़ा नाराज भी था। आई डिटरमिन टू गो आउट देयर एंड रियली सो डर फ्यूरर एंड हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट। मैं इस बात के लिए ढृढ़ निश्चय किया था। डिटरमिन्ड का अर्थ है ढृढ़ निश्चय करना कि मैं जाऊंगा और डियर फ्यूरर को दिखाऊंगा। डियर फ्यूरर का अर्थ हिटलर से, कि मैं डियर फ्यूरर को या हिटलर को दिखाऊंगा कि उसकी जो यह सोच है कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं, तो उसको मैं दिखाऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। इस बात के लिए मैं दृढ़ निश्चय कर चुका था। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक। एक नाराज या क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करता है। एस एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि कोई भी प्रशिक्षक तुम्हें बता देगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन। मैं भी अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, और मैं अपने पहले क्वालिफाइंग जंप चुनने के लिए जो कूद करनी थी, उसमें से पहले कूद में चुने जाने के लिए जो कूद कूदनी थी उसमें पहले कूद में आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप। मैं उस स्थान से काफ़ी आगे बढ़कर, 2-3 इंच या कई इंच आगे बढ़कर कूदा था। टेक ऑफ बोर्ड का मतलब है, टेक ऑफ बोर्ड वह प्लेस जहाँ से कूदा जाता है, तो उस स्थान से कुछ इंचेज आगे जाके कूदा था और यह नो जंप हो गया था, अमान्य हो गया था। ऑन द सेकेंड जंप आई वॉज इवन वर्स, और दूसरी कूद में भी मैं खराब ही रहा। डिड आई कम 3,000 miles फॉर दिस। क्या मैं इसी के लिए 3,000 मील से आया हूँ। आई थॉट बिटरली।
मैंने कड़वाहट से सोचा। टू फेल इन द ट्रायल एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, अभ्यास में असफल होकर और अपने आप को मूर्ख साबित करके करने के लिए मैंने कड़वाहट से सोचा कि क्या मैं 3000 मील से अपने को मूर्ख साबित करने के लिए और अभ्यास सत्र में ही फेल होने के लिए, असफल होने के लिए आया हूँ। वॉकिंग ए फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट से कुछ गज दूर चहलकदमी करते हुए, पिट वह स्थान था जहाँ पर यह उछल कूद हो रही थी, आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द ग्राउंड, मैंने बिल्कुल ही नापसंदगी से जमीन पर किक किया, लात मारा। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर, तभी अचानक ही मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज, मैं घुमा उस मित्रवत नीली आंखों में देखने के लिए, ऑफ द टाल जर्मन लॉन्ग जंपर, जो कि एक लंबे जर्मन कूदने वाले खिलाड़ी का था। ही हैड इजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, वह अपने पहले प्रयास में ही फाइनल के लिए आसानी से चुन लिया गया था। ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंड शेक, उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए आमंत्रण दिया हाथ मिलाने का। जेसिस ओन ओन्स आई एम लूज लॉन्ग, और कहा कि जेसिस ओन्स मैं लूज लॉन्ग हूँ। आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट, मैं नहीं सोचता कि हम कभी मिले थे, यानी कि हम पहले कभी नहीं मिले थे। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अच्छे से इंग्लिश या अंग्रेजी बोल रहा था, दो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, लेकिन इसमें जर्मन शैली भी थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलता है तो उसमें अपनी मातृभाषा का दबाव या मातृभाषा की शैली दिखती है। ग्लैड टू मीट यू आई सेड ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। नर्वसनेस का अर्थ है घबराहट। आई एडेड हाउ आर यू, और उसके आगे मैंने कहा कि आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। दैट द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, लेकिन प्रश्न यह है कि आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन आई आस्क, मैंने पूछा क्या कहने का मतलब है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू ही सेड, उसने कहा कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। You should be able to qualify if your eyes shut. तुम चुन लिए जाओगे अगर तुम आँख बंद करके भी कूदते हो, आँख मूंद कर भी कूदते हो तो भी तुम चुन लिए जाओगे। Believe me, I know it. विश्वास करो, मैं यह जानता हूँ कि अगर तुम आँख मूंद के भी कूदोगे तो चुन लिए जाओगे। I told him it felt good to say that to someone, मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसा कहा मेरे लिए। For the next few minutes we talked together, अगले कुछ मिनटों तक हमने साथ साथ वार्तालाप किया, बातचीत किया। I did not tell long what was troubling me, मैंने long को नहीं बताया कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। But he seemed to understand my anger and he took pain of reassure me. लेकिन उसने यह चीज़ महसूस कर लिया कि मेरी नाराज़गी क्यों है। He seemed to understand my anger, वह मेरी क्रोध को, मेरी नाराज़गी को महसूस कर लिया था। And he took pains to reassure me, और उसने मेरे डर को, मेरे घबराहट को कम किया, मेरे दर्द को कम किया। Although he had been trained in Nazi youth movement, जबकि उसे नाजी युवा आंदोलन में प्रशिक्षित किया गया था। He did not believe in the Aryan supremacy business any more than I did. लेकिन वह आर्यों की श्रेष्ठता के विषय में मुझसे ज़्यादा
नहीं सोचता था, मुझसे ज़्यादा उसकी विचार भी नहीं थे। जैसे मेरे विचार थे कि आर्यन या आर्य श्रेष्ठ प्रजाति नहीं है, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति नहीं है, तो ऐसा कुछ उसका भी मानना था। ही लाफ्ड वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट डैट ही फिजिकली लुक लाइक बी लॉन्गिंग टू ए सुपरियर रेस। हम इस बात पर हंसे, इस तथ्य पर हंसे कि वह शारीरिक रूप से ऐसा दिखता है कि वह श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ है, ऐसा उसकी शारीरिक बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि वह श्रेष्ठ है। इस बात पर हम लोग हंसे। एन इंच टालर देन मी, वह मुझसे 1 इंच लंबा था। ही हैड लीन मस्कुलर फ्रेम, वह पतला और गठीला शरीर का था। क्लियर ब्लू आइज, उसकी आँखें साफ थीं और नीले रंग की थीं। फेयर हेयर, साफ बाल थे। एंड स्ट्रैंगली हैंडसम फेस, और आकर्षक सुंदर चेहरा था। स्ट्रैंगली का अर्थ है आकर्षक, हैंडसम फेस मतलब है सुंदर चेहरा, तो उसका आकर्षक सुंदर चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड। जब फाइनली आखिरकार जब उसने मुझे देखा कि मैं शांत हो गया हूँ, तो उसने मुझे टेक ऑफ बोर्ड की तरफ इशारा किया। टेक ऑफ बोर्ड मतलब उस स्थान की तरफ इशारा किया जहाँ पे मुझे अभ्यास कूद करनी थी चुनने के लिए। लुक ही सेड, उसने कहा देखो, व्हाई डू नॉट यू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंचेज बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। तुम टेक ऑफ बोर्ड से कुछ इंच पहले एक निशान क्यों नहीं बनाते हो और वहीं से कूदने का लक्ष्य क्यों नहीं करते हो? यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली ऑट टू जम्प फॉर एनफ टू क्वालिफाई। और तुम इस बात के लिए भी निश्चित होगे, तुम जानते ही होगे कि तुम फाउल नहीं करोगे और निश्चित रूप से कम चुनने भर से कहीं ज़्यादा कूद जाओगे। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल। इस बात का मतलब ही क्या है कि ये जो पहले का जो अभ्यास हो रहा है, इसमें तुम प्रथम स्थान पे नहीं आते हो। टुमारो इज व्हाट्स काउंट्स, गिनती तो कल से होगी कि कल कौन कितने फीट कितने इंच कूदा, ये मायने रखेगा कौन पहले स्थान पे कौन दूसरे स्थान पे है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एव आउट ऑफ माई बॉडी, अचानक लगा कि सारा तनाव मेरे शरीर से निकल गया है। एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड, उस सच को जानकर जो उसने कहा था। हिट मी, मुझे हिट करते हुए, मुझे उत्साहित करते हुए। कॉन्फिडेंटली आई ड्रीव ए लाइन इफ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड से 1 फुट पहले मैंने एक रेखा खींची एंड जम्प फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट 1 फुट टू स्पेयर, मैं चुन लिया गया और कम से कम 1 फुट ज़्यादा ही कूदा था जितना क्वालिफाई करने के लिए या चुने जाने के लिए आवश्यक था, उससे कहीं 1 फुट ज़्यादा ही कूद गया था। दैट नाइट आई वॉक ओवर द लूज लॉन्ग रूम इन द ओलंपिक विलेज, उस रात मैं ओलंपिक गांव में लूज लॉन्ग के कमरे में गया टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद कहने के लिए। आई नो दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, यह जताने के लिए कि अगर यह सब नहीं हुआ होता तो मैं नहीं चुना जाता। आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जम्पिंग इन द फाइनल द फॉलोइंग डे, बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिन में या अगले दिन मैं फाइनल में नहीं कूद पाता, नहीं चुना जाता फाइनल के लिए। वी सेट इन हिज क्वार्टर एंड टॉक फॉर 2 आवर्स अबाउट एथलेटिक्स, हम लोग उसके क्वार्टर में उसके कमरे में लगभग 2 घंटे बैठे रहे और खेल के बारे में 2 घंटे तक बात करते रहे। आवर सेल्फ, अपने बारे में भी बात किए, द वर्ल्ड सिचुएशन, विश्व की स्थिति के बारे में भी बात की, ए डजन अदर थिंग्स, और दर्जनों दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात की। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, जब अंत में मैं चलने के लिए हुआ वहाँ से चलने लगा, वी बोथ न्यू दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैज बीन फॉर्म, हम दोनों इस चीज़ को मान रहे थे, जान चुके थे कि एक सच्ची मित्रता हो गई है, बन गई है। लूज वुड गो आउट
to the stadium the next day, trying to beat me if he could. Lose अगले दिन स्टेडियम जाएगा और मुझे हराने का प्रयास करेगा. But I knew that we wanted to do my best. लेकिन मैं जानता था कि वह चाहता है कि मैं